हेलो एवरीवन। सो गाइस, चेतन भगत हाफ गर्लफ्रेंड किताब मेरे पास है, बट मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ गाइस। कहीं कुछ रॉन्ग होगा पीडीएफ में तो मैं इस किताब में भी देख लिया करूँगा। चलिए, तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट है हमारा और उस पर चौथा नंबर लिखा भी होगा बुक पे। और हर एक मतलब जो भी हम नंबर पे जाते हैं तो आई थिंक दो तीन पेज तो होता ही, तीन से तो ऊपर ही पेजेस होते हैं। तो यहाँ भी देखते हैं, यहाँ लिखा है कि 3 months later, यानी कि 3 महीने बाद क्या हुआ। डिड यू जस्ट पुट योर हैंड ऑन माइन, शी विस्पर्ड। विस्पर्ड मतलब बहुत धीरे से कहना, कान में फुसफुसाना। तो उसने कान में कहा कि क्या तुमने अपना हाथ मेरे हाथ पे रखा। बट लाउड एनफ फॉर पीपल अराउंड अस इन द मूवी थिएटर टू लुक आर वे। लेकिन उसने तो विस्पर किया, धीरे से कहा, लेकिन वहाँ मूवी थिएटर में जितने भी लोग थे वो उनके लिए वो काफ़ी ऊंचा था, वो सारे सुन पाए और इतना ओके था उनके लिए कि हमारी तरफ देख पाए। बट लाउड एनफ फॉर पीपल, उन लोगों के लिए लाउड था अराउंड अस जो हमारे चारों तरफ थे, इन द मूवी थिएटर, मूवी थिएटर में, टू लुक आर वे कि वो हमारी तरफ देखें। एक्सीडेंटली आई सेड, जब उसने कहा कि तुमने क्या अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा, मैंने कहा एक्सीडेंटली हो गया जी। लर्निंग बिग इंग्लिश वर्ड्स हैं, नए नए इंग्लिश वर्ड सीख रहे हो, आर वी, शी सेड। ये आर वी एक तरीका है, उसने मतलब खुद को भी मिला के कहा कि लर्निंग बिग इंग्लिश वर्ड्स, आर वी, हैं हम क्या हम सीख रहे हैं, इस तरीके से। हालांकि इंडिकेट तो इंडिकेशन उसी की तरफ था कि भाई तू एक्सीडेंटली का इस्तेमाल कर रहा है, तू बड़े बड़े वर्ड बोल रहा है। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मिस्टर माधव झा, यू हैव कम टू सी अ मूवी। मिस्टर माधव झा, तो मूवी देखने के लिए आए हो, फोकस ऑन दैट, उस पर फोकस करो। आई एम ट्राइंग, आई सेड अगेन, मैंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई टर्न माई अटेंशन बैक टू शाहरुख खान। ठीक है, मैंने वो सब डिस्कशन छोड़ा और मूवी देखना शुरू किया। शाहरुख खान पर मैंने अपना अटेंशन दिया। He had rejoined college and was singing मैं हूँ ना to anyone in need of reassurance। तो उसने कॉलेज को रीज्वाइन किया था। मैं हूँ ना मूवी, एक्चुअली दोनों लोग जो मूवी देख रहे थे उसका नाम था मैं हूँ ना। उसकी जो कहानी है वो ये है कि शाहरुख खान ने दोबारा से कॉलेज ज्वाइन किया और वो गाना गा रहा था मैं हूँ ना टू एनी वन इन नीड ऑफ रीअश्योरेंस, कि कोई भी जिसको रीअश्योरेंस की ज़रूरत है, किसी को हेल्प की ज़रूरत है, उसको उस आश्वासन की ज़रूरत है, तो सबसे कह रहा था कि मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, इस तरीके से। चल, वी हैड कम टू ओडियन सिनेमा इन कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस में एक सिनेमा हॉल है ओडियन, तो हम वहाँ पर गए हुए थे। रिया हैड फाइनली अग्रीड टू सी अ मूवी विद मी। रिया फाइनली मान गई थी मेरे साथ मूवी जाने के लिए। शी हैड लॉस्ट अ बास्केटबॉल बेट। उसने मेरे साथ बास्केटबॉल का एक शर्त जो उसने लगाया था वो हार गई थी। शी हैड चैलेंज्ड मी, उसने मुझे चैलेंज किया था टू स्कोर अ बास्केट फ्रॉम हाफ कोर्ट इन वन ट्राई, कि एक ट्राई में हाफ कोर्ट से बास्केट स्कोर करना है, ये शर्त था, तो शर्त हार गई थी। नाउ दैट विल बी अ सुपर शॉट, शी हैड सेड। उसने कहा था कि सुपर शॉट होगा अगर तुम एक ट्राई में हाफ कोर्ट से वो बास्केट स्कोर कर दो। व्हाट डू आई गेट, मुझे क्या मिलेगा, अ मूवी ट्रीट, एक मूवी ट्रीट मिलेगा। You can't do it, वैसे तुम कर नहीं सकते इसे। I had given it a try, मैंने खूब कोशिश की, and failed the first week, पहले हफ्ते तो मैं फेल हो गया। Half court shots are tough, really, half court से शॉट लगाना काफ़ी टफ है। I couldn't do it in the next 2 weeks either, आने वाले 2 हफ्तों में भी मैं इसको कर ना सका। Either actually जब हम नेगेटिव में कोई सेंटेंस बोलते हैं तो ऑल्सो नहीं बोला जाता है, इधर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे कोई बंदा कहता है कि आई डोंट लाइक मैंगोज, मुझे मैंगोज पसंद नहीं, तो मैं कहता हूँ कि मुझे भी पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि आई डोंट लाइक ईदर। मैं ऐसा नहीं कह सकते कि आई ऑल्सो डोंट लाइक, अधिकतर ऐसा ही लोग बोलते हैं, बट ये गलत इंग्लिश है। एनीवेज, सी इवन डेस्टिनी डजंट वॉन्ट अस टू गो आउट, शी हैड सेड। उसने कहा था कि देखो किस्मत भी नहीं चाहती है कि हम बाहर जाएं। इन द फोर्थ वीक, चौथे हफ्ते, आई पुट इन ऑल द फोकस आई हैड, जितना भी फोकस मेरे में था मैंने सारा फोकस लगा दिया, एंड मेड माई शॉट, और मैंने वो स्कोर कर दिया, वो शॉट कर दिखाया। द बॉल हिट द रिंग, बॉल ने उस रिंग को हिट किया, सर्कल्ड अराउंड इट, उसके चारों तरफ सर्कल किया ट्वाइस, 2 बार, एंड फेल इन टू द बास्केट, और फाइनली वो बास्केट में गिर गया। यस आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया यस। स्क्रीम का मतलब होता है जोर से चिल्लाना। इवन दो शी हैड लॉस्ट द बेट, शी क्लैप्ड। भले ही, हालांकि, इवन दो का मतलब क्या, यद्यपि, हालांकि हिंदी में ना जाए, कहने का मतलब है कि ऐसा हो गया फिर भी ऐसा हुआ, ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। तो इवन दो, भले ही, शी हैड लॉस्ट द बेट, उसने
वो जो शर्त था, वो शर्त हार गई थी, ये जो कॉमा है, इस कॉमा का मतलब है फिर भी शी क्लैप, फिर भी उसने मेरे लिए ताली बजाई। सो डू आई गेट अ डेट, आई सेड, मैंने कहा तो क्या मुझे डेट मिलता है? इट्स नॉट अ डेट, ये वो डेट नहीं है, वी जस्ट गो फॉर मूवी, हम बस मूवी के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जा रहे नहीं लिखा है, वी आर जस्ट गोइंग नहीं लिखा है, कि वी जस्ट गो फॉर अ मूवी, यानी कि बस मूवी के लिए जाते हैं लाइक फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों की तरह, इस तरीके से। तो हम इसको फ्यूचर मान के चलें कि हम मूवी के लिए जाएंगे, कई बार फ्यूचर की फीलिंग भी प्रेजेंट में दिखाई जाती है। इजन दैट वॉट हाई क्लास पीपल कॉल अ डेट? क्या वो नहीं जो हाई क्लास पीपल कहते हैं हम डेट पे जा रहे हैं, क्या ये डेट नहीं है? ना ना नो, व्हाट्स अ डेट देन? फिर डेट क्या है भाई? यू वॉन्ट टू सी द मूवी विद मी और नॉट? तुम मेरे साथ मूवी देखना चाहते हो या नहीं? शी हैड सेड, उसने कहा, हर हैंड्स ऑन हर हिप्स, हिप्स पे ऐसे हाथ रख के बोला कि तुम मूवी देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते? द हैंड्स ऑन हिप्स पोज मेंट नो फर्दर क्वेश्चंस। अगर कोई ऐसा पोज हो जिसमें हाथ, जो हाथ है वो हिप्स पर हो, इसका मतलब है मेंट नो फर्दर क्वेश्चंस, के आगे कोई सवाल, देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते हो बताओ, कोई क्वेश्चन। ये इन द 3 months, 3 महीनों में आई हैड नोन हर, मैंने उसे जाना था। आई न्यू शी हेटेड बींग पुश्ड, मुझे पता था कि उसे कोई अगर पुश करे, कोई बार बार कुछ कहे उसे, पुश करे कुछ करने के लिए, तो वो पसंद नहीं करती थी। 3 महीनों में मैं जान चुका था। आई थॉट मे बी दैट वॉज हाउ रिच पीपल वर, सम वॉट प्राइवेट, मुझे लगा कि इसी तरीके से अमीर लोग होते होंगे, एक तरीके से प्राइवेट, बिल्कुल प्राइवेट रहते होंगे, स्पेस लेकर चलते होंगे। वी ओवर डिड द फैमिलियरिटी इन आवर विलेज एनी वे, हालांकि एनी वे हम अपने गाँव में, वी ओवर डिड द फैमिलियरिटी, जो हमारा हेल मेल तालमेल फैमिलियरिटी जो एक जान पहचान होती थी, हम उसको ओवर डू कर देते थे। ओवर डू का मतलब होता है अति कर देना, मतलब कि अगर किसी के साथ जान पहचान है तो कुछ स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़ते, कुछ भी बातें कर लेते हैं, बिल्कुल घनिष्ठ हो जाते हैं, तो अति कर देते थे हम गाँव के अंदर, ऐसा कह रहा है कि वी ओवर डिड, ओवर डू का मतलब होता है अति करना, तो ओवर डू से बना ओवर डिड, हम फैमिलियरिटी का अति कर देते थे, जान पहचान की हद पे चले जाते थे इन आर विलेजेस, हम अपने गाँव में। एनीवे नाउ एज शाहरुख खान कंटिन्यूड हिज सॉन्ग, तो अब चूंकि शाहरुख खान ने अपने सॉन्ग को कंटिन्यूड रखा, आई वॉन्डर वॉट आई मेंट टू हर, मैं ये सोच रहा था कि वॉट आई मेंट टू हर, मतलब उसके लाइफ में मेरा क्या महत्व है, क्या मतलब है, मैं क्या योगदान दे रहा हूँ उसकी लाइफ में, मतलब हम दोनों का रिलेशन क्या है। वी मेट इन कॉलेज एवरी डे, हम कॉलेज में रोज मिलते थे। एंड एंडेड अप हैविंग टी, एंड अप का मतलब होता है कि मतलब आप सोचते नहीं हो, फिर भी अंत ऐसा होता है कि आप कुछ कर बैठते हो, कहने का मतलब कि मैं बोलूँ कि आई वेंट टू वॉच एन एक्शन मूवी, मैं एक्शन मूवी देखने गया, बट एंडेड अप वॉचिंग अ कॉमेडी मूवी, बट मैं कॉमेडी मूवी देख बैठा। यू नो आई वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर बट एंडेड अप एज अ टीचर, मैं एक्टर बनना चाहता था, टीचर बन बैठा। तो एंड अप का मतलब आपको पता नहीं कि आपका अंत क्या होगा, लास्ट में आप क्या कर बैठेंगे। तो ये कि वी मेट इन कॉलेज एवरी डे, हम रोज कॉलेज में मिलते थे, और अंत हमारा ये होता था कि हम चाय पी रहे होते थे एटलीस्ट 3 times a week, हफ्ते में 3 बार तो हम चाय पी लेते थे। आई डिड मोस्ट ऑफ द टॉकिंग, मैं बहुत सारी बातें करता था। आई वुड टेल हर स्टोरीज फ्रॉम द रेजिडेंसेस, मैं रेजिडेंस यानी कि घर की कहानी सुनाता था, और रेज एज द स्टूडेंट्स कॉल्ड देम, द फैंसी वर्ड फॉर हॉस्टल इन स्टीफन्स। अच्छा, रेजिडेंस यानी कि जिसमें वो रहता था, जिस हॉस्टल में रहता था उसकी कहानी सुनाता था। तो वहाँ के जो लोग थे, स्टूडेंट्स जो थे, वो रेजिडेंस को बोलते थे रेज, एक फैंसी वर्ड था उनके लिए जो हॉस्टल्स के लिए इस्तेमाल करते थे सेंट स्टीफन। आई वॉज इन रुद्रा नॉर्थ, मैं रुद्रा नॉर्थ में रहता था, ये हॉस्टल था उसका। एंड टोल्ड हर टेल्स ऑफ मेसी रूम्स, और टेल मतलब कहानियाँ, मैं जो मेसी गंदे फंदे रूम की पूरी कहानी सुनाता था, लेट नाइट कैरम मैचेस के बारे में बताता था, एंड द रिस्पेक्ट वी नीडेड टू शो सीनियर्स, और सीनियर्स को कैसे हम रिस्पेक्ट देते थे, यू नो, उस समय उसे कहानी सुनाता रहता था। शी लिसेंड इंटेंटली, बहुत ही इंटेंशन के साथ वो सुनती थी। इवन स्माइल्ड समटाइम्स, कभी कभी वो मुस्कुराती भी थी। व्हेन आई आस्क्ड हर अबाउट हर होम, जब मैंने उससे पूछा उसके घर के बारे में, शी डिडेंट से मच, उसने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। बैक इन डुमराव इट इज अनथिंकेबल फॉर फ्रेंड्स टू नॉट शेयर एवरी डिटेल अबाउट देमसेल्व्स।
वो कह रहा है कि अगर मैं अपने गांव डुमराव की बात करूं, इट इज़ अनथिंकेबल। हम तो सोच भी नहीं सकते कि जो दोस्त होते हैं टू नॉट शेयर एवरी डिटेल अबाउट देमसेल्फ, कि अपने बारे में अगर वो हर एक डिटेल शेयर ना करें, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। कि जो दोस्त होते हैं हमारे गाँव में वो तो सब कुछ शेयर करते हैं, बट ये ज़्यादा नहीं बोलती थी। हाई क्लास पीपल हैव दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्पेस। जो हाई क्लास लोग होते हैं उनका एक कॉन्सेप्ट है कि भाई स्पेस चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, विच मीन्स यू कैनॉट आस्क देम क्वेश्चंस और गिव देम ओपिनियंस अबाउट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ। उनकी लाइफ में जो कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में आप सवाल नहीं पूछ सकते हो, ना ही आप अपनी कोई राय दे सकते हो, क्योंकि वो उनको स्पेस चाहिए, वो नहीं चाहते कि कोई उसके अंदर घुसे, उस स्पेस में जाए। ये हाई क्लास सोसाइटी में चलता है। एम आई स्पेशल टू हर, क्या मैं उसके लिए स्पेशल हूँ? आई केप्ट आस्किंग माई सेल्फ, मैंने खुद से पूछता रहा मैं खुद से। केप्ट के बाद यहाँ पर जिरंड लगा है, यानी कि वो कंटिन्यू रहा। समटाइम्स आई सॉ हर चैटिंग विद अदर गाइज एंड फेल्ट इनसेनली जेलस। समटाइम्स, कभी कभी आई सॉ, मैं देखता था उसको बात करते हुए दूसरे लड़कों से, चैटिंग विद अदर गाइज एंड फेल्ट, और मैं महसूस करता था इनसेनली जेलस, पागलों की तरह जलन महसूस करता था। इनसेन, इनसेन मतलब पागल, तो पागलपंथी की हद तक मुझे जलन होती थी। माई इंसिस्टेंस ओके ऑन सीइंग अ मूवी टुगेदर वॉज टू फाइंड आउट व्हाट रिया सोमानी रियली थॉट ऑफ माधव झा। मेरा ये जो एक जिद था, इंसिस्टेंस नहीं होता इंसिस्ट करते किसी को, ये जो जिद मेरी जो थी ऑन सीइंग अ मूवी टुगेदर, कि हम साथ में मूवी देखेंगे, वॉज टू फाइंड आउट, ये सिर्फ ये पता लगाने के लिए ये जिद थी, व्हाट रिया सोमानी रियली थॉट ऑफ माधव झा, कि वाकई ही जो रिया सोमानी नाम की लड़की है वो माधव झा के बारे में क्या सोचती है, मैं ये बस जानना चाहता था। आई हैड हेल्ड हर हैंड टू फिगर आउट वेयर आई स्टूड, मैंने उसका हाथ थामा था, पकड़ा था, ये समझने के लिए, फिगर आउट करने के लिए कि मेरी क्या जगह है, वेयर आई स्टूड, मैं कहाँ पर खड़ा होता हूँ, उसके लाइफ में मेरी पोजीशन क्या है, ये पता लगाने के। गिवन हर रिएक्शन, उसके रिएक्शन को देखते हुए, नो वेयर, कहीं भी मेरी कोई जगह नहीं। गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, जैसे मैं बोलूँ गिवन हिज एज, उसकी उम्र को देखते हुए, तो गिवन हर रिएक्शन, उसके रिएक्शन को देखने के लिए आई स्टूड नो वेयर, मेरी कहीं कोई जगह नहीं थी। इन फैक्ट शी रिमूव्ड हर आर्म फ्रॉम द आर्म रेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मूवी। जब आप मूवी देखते हैं, जो चेयर होती है, जो आर्म रेस्ट होता है ना, हाथ रखने के लिए होता है, तो अब ये जब उसके हाथ पे हाथ रखता था तो उसने आर्म रेस्ट से अपना हाथ हटा लिया लड़की ने। शी रिमूव्ड हर आर्म फ्रॉम द आर्म रेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मूवी, पूरे मूवी में उसने अपना हाथ ही हटा लिया। शी सीम्ड अपसेट, वो अपसेट दिख रही थी, इवन दो शी नेवर सेड अ वर्ड, हालांकि उसने कोई शब्द नहीं कहा, बट वो दिख रही थी अपसेट। शी केप्ट वॉचिंग द फिल्म, वो मूवी देखती रही। इज एवरीथिंग ओके आई सेड, मैंने पूछा, हालांकि आस्क्ड होना चाहिए, बट चलो नॉवेल की यही भाषा होगी शायद, तो इज एवरीथिंग ओके, मैंने कहा सब कुछ ठीक है। शी सिप्ड हर ड्रिंक इन साइलेंस, चुपचाप उसने अपने ड्रिंक को सिप किया। वी हैड वॉक्ड फ्रॉम ओडियन टू केवेंटर्स, तो ओडियन सिनेमा हॉल से हम निकले और केवेंटर्स तक गए। केवेंटर्स क्या है? फेमस फॉर इट्स मिल्क शेक्स सोल्ड इन ग्लास बॉटल, ग्लास के बॉटल में मिल्क शेक ही देते थे, तो वहाँ तक हम गए। आह शी सेड, उसने कहा, इंडिकेटिंग अ यस, शी सेड इंडिकेटिंग अ यस, हाँ कहते हुए आह कहा। आई हेटेड दिस रिस्पॉन्स ऑफ हर्स, मुझे इसका इस तरह का रिस्पॉन्स पसंद नहीं था। यानी कि फिर से देख लेते हैं कि वी हैड वॉक्ड फ्रॉम ओडियन टू केवेंटर्स फेमस फॉर इट्स मिल्क शेक ओल्ड इन ग्लास बॉटल्स, ठीक है, हम वहाँ गए। इज एवरीथिंग ओके, मैंने कहा था, हाँ शी सेड इंडिकेटिंग यस, अच्छा उसने यस बोला कि हाँ ठीक है, ऐसा करते हुए कहा। बट आई हेटेड दिस रिस्पॉन्स ऑफ हर्स, इस तरीके से जो उसने रिस्पॉन्स दिया उसको मुझे पसंद नहीं था। वी हैड फिनिश्ड 2/3 ऑफ आवर मिल्क शेक विदाउट टॉकिंग टू ईच अदर, मतलब हम चल रहे थे, मिल्क शेक पी रहे थे, और 2/3 हमने मिल्क शेक खत्म कर दिया बिना एक दूसरे से बात किए। शी लुक्ड स्ट्रेट अहेड, वो देख रही थी, बिल्कुल सीधा सामने देख रही थी, लॉस्ट इन थॉट, वो थॉट में कहीं खोई हुई थी। आई फेल्ट शी वुड क्राई इफ पोक्ड, मैंने ऐसा महसूस किया कि अगर मैं उसे पोक करूँ, बार बार उसे डिस्टर्ब करूँ, उंगली करूँ, तो वो रो बैठेगी। आई एम सॉरी, वॉट शी सेड सरप्राइज, मैंने कहा आई एम सॉरी, उसने कहा क्या, सरप्राइज होकर क्या, अबाउट प्लेसिंग माई हैंड ऑन योर्स,
और तुम्हारे हाथ पर अपना हाथ रखने के लिए आई एम सॉरी आई सेड, मैंने कहा। इज रेडी, लंबा चैप्टर है तो चाय पीते रहे। ओके चलिए फाइन। आई सेड, मैंने कहा, आई डिडेंट वॉन्ट माई स्टूपिड मूव टू बैक फायर। मैं नहीं चाहता था कि मेरा ये जो स्टूपिड मूव था, ये जो स्टूपिड कदम था, यानी कि हाथ रखने का ये जो मैंने कदम उठाया था, टू बैक फायर। बैक फायर का मतलब होता है कि वापस आप ही पे वो उल्टा बाजी पड़ जाए, कुछ उल्टा हो जाए, बैक फायर हो जाए, इसको बैक फायर कहते हैं। वैन कब, मतलब मैंने हाथ रखा उसे पता ही नहीं कब। ड्यूरिंग ड्यूरिंग द मूवी, मूवी के दरमियान, यू नो आई ऐसा कुछ कहा उसने कि मूवी के दरमियान, यू नो आई ऐसा कुछ कहना ही चाह रहा था। आई डोंट इवन रिमेंबर दैट, मुझे कुछ याद नहीं है, शी सेड, उसने कहा। इंटरप्टिंग में, मुझे इंटरप्ट करते हुए, यानी कि ये जो आई वाला सेंटेंस पूरा कंप्लीट भी नहीं करने दिया, उसने कहा मुझे कुछ याद नहीं है। ओह आई सेड, मैंने कहा अच्छा। एंड फेल्ट अ वेव ऑफ रिलीफ रन थ्रू मी, और एक वेव ऑफ रिलीफ की बहुत सुकून सा मिला, रन थ्रू मी, मेरे में सुकून सा आया कि हाँ चलो इसको इतना तो बुरा नहीं लगा कि मैंने हाथ रखा था। देन वाई डू यू लुक अपसेट, तुम अपसेट क्यों दिख रही हो, वाई डू यू लुक अपसेट, अपसेट क्यों दिख रही हो। रही हम बोल रहे हैं बट हम लुकिंग नहीं कह सकते ना, कोई अगर अच्छा दिखता है तो हम कहते हैं यू लुक हैंडसम, स्पोकन इंग्लिश में अगर हम कहते हैं यू आर लुकिंग हैंडसम तो गलत है, तो इसका ख्याल रखना चाहिए, बट लोग कह देते हैं स्पोकन में लुकिंग ज़्यादा ही बोल देते हैं। नेवर माइंड शी सेड, कोई चिंता मत करो, शी सेड, उसने कहा। साइलेंट रियाज टिपिकल रिस्पॉन्स, चुपचाप रहने वाली रिया का ये ही एक टिपिकल एक घिसा पिटा रिस्पॉन्स होता था कि नेवर माइंड। शी ब्रश्ड असाइड, या असाइड है, असाइड स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर फ्रॉम हर फेस। स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर का मतलब होता है कि बालों की लट, जो एक एक दो जो बाल है उसको उसने अपने से ब्रश असाइड किया, अपने चेहरे से हटाया। वाई डोंट यू एवर टेल मी एनी थिंग, तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी गाइस, आई सेड, मैंने कहा। माई वॉइस अ मिक्सचर ऑफ प्ली एंड प्रोटेस्ट, मेरी जो आवाज़ थी उसमें लग रहा था कि रिक्वेस्ट भी है, प्रार्थना भी है, और मैं उसके खिलाफ भी हूँ, प्रोटेस्ट भी कर रहा हूँ कि भाई तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो अपने बारे में। शी फिनिश्ड हर मिल्क शेक, उसने अपना मिल्क शेक फिनिश किया। एंड प्लेस द एम्प्टी बॉटल ऑन अ टेबल, और टेबल पर, अच्छा अभी चल नहीं रहे थे लोग, टेबल पर उसने अपना एम्प्टी बॉटल रखा, रेडी टू गो, जाने के लिए तैयार। शी सेड इंस्टेड, उसने कहा चले। ओके तो यानी कि वो लोग अंदर वहीं पर वो पी रहे थे, मुझे लगा चल रहे हैं कहीं पर। ओके वो जो रेस्टोरेंट में गए थे वहीं वो पी रहे थे। रिया वी नेवर टॉक अबाउट यू, रिया हम कभी तुम्हारे बारे में बात नहीं करते। एम आई ओनली गुड एनफ टू प्ले बास्केटबॉल विद, क्या मैं बस इतना ही हूँ कि मेरे साथ कोई बास्केटबॉल खेल सके। वॉट, क्या, वी मीट, हम मिलते हैं, प्ले हम खेलते हैं, ईट एंड टॉक हम खाते हैं, बातें करते हैं, बट यू नेवर शेयर एनी थिंग इम्पॉर्टेंट विद मी, लेकिन तुम कभी भी कुछ भी इम्पॉर्टेंट मेरे साथ शेयर नहीं करती हो। आई डोंट शेयर मच अबाउट माई लाइफ विद एनी वन, माधव, माधव मैं अपने लाइफ के बारे में ज़्यादा किसी से भी शेयर नहीं करती हूँ। एम आई जस्ट एनी वन, क्या मैं बस कोई और हूँ। अ वेटर अराइव्ड टू कलेक्ट द एम्प्टी बॉटल्स, तो बॉटल्स लेने के लिए, एम्प्टी बॉटल्स लेने के लिए वहाँ पर वेटर आ गया। शी स्पोक ओनली आफ्टर ही लेफ्ट, ही लेफ्ट, यहाँ ही होना चाहिए लाई लिखा है। जब वेटर चला गया तो उसने बोला, यू आर अ फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, सो सो वॉट, मैंने, अच्छा उसने कहा यू आर अ फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, तो लड़का कहता है सो, तो लड़की कहती तो क्या, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आई डोंट शेयर स्टफ विद देम, मैं उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। एम आई जस्ट लाइक एवरी अदर फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या मैं बाकी दूसरे दोस्तों की तरह हूँ तुम्हारे लिए। इज देयर नथिंग स्पेशल अबाउट मी, मेरे बारे में कुछ भी खास नहीं है, क्या मैं कॉमन हूँ। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराए। वेल यू डू प्ले बास्केटबॉल बेटर देन एनी वन एल्स, तुम किसी से भी अच्छा बास्केटबॉल खेलते हो। आई स्टूड अप, मैं खड़ा हो गया। आई डिडंट फाइंड हर फनी, मुझे इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी फनी नहीं लगा। हे वेट, रिया पुल्ड मी डाउन अगेन, उसने मुझे नीचे बैठा दिया, बोला रुको। I sat down with a stern expression. Stern मतलब एकदम serious expression के साथ मैं वहाँ पर बैठ गया। Why do you want to know about my life? She said. उसने कहा तुम मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो? It matters to me. ये matter करता है मुझे, मेरे लिए। Unlike your other friends,
तुम्हारे दूसरे जो दोस्त हैं उनको उनको फर्क नहीं पड़ता होगा, बट मुझे फर्क पड़ता है, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में, इट मैटर्स टू मी, आई कैन टेल, मैं बता सकती हूँ इफ समथिंग समथिंग इज बॉदरिंग यू, अगर तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है तो मैं बता सकती हूँ, एंड इफ समथिंग इज बॉदरिंग यू, एक मिनट, ये लड़का कह रहा है, लड़की कह रही है, आई कैन टेल इफ समथिंग इज बॉदरिंग यू, एंड इफ समथिंग इज बॉदरिंग यू इट बॉदर्स मी, आई वॉन्ट टू नो थिंग्स अबाउट यू, लड़का कह रहा है कि अगर तुम्हें कुछ बॉदर कर रहा है तो मैं बता सकता हूँ, अगर तुम्हें कुछ बॉदर कर रहा है तो मुझे बॉदर कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, आई वॉन्ट टू नो थिंग्स अबाउट यू, आई कैन टेल, हाँ मैं बस जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो थिंग्स अबाउट यू, तुम्हारे बारे में चीज़ें जानना चाहता हूँ, ओके, बट गेटिंग यू टू टॉक इज लाइक अ डेंटिस्ट पुलिंग टीथ, लेकिन तुमसे बात करना, गेटिंग यू टू टॉक, तुमसे बात करना यानी कि तुम्हें बातचीत में लाना इज लाइक अ डेंटिस्ट पुलिंग टीथ, जिससे कि कोई डेंटिस्ट हो वो दांत खींच रहा हो, इतना मुश्किल काम लगता है, तुमसे बात ही नहीं कर सकते भाई। हाँ तो यहाँ लिखा है कि शी लाफ्ड एंड इंटरप्टेड माई रैंट, ये रैंट ही लिखा हुआ है, रैंट का मतलब होता है कि जो बातें कर रहा था, जो दोष लगा रहा था, जो बड़बड़ा रहा था, उसको उसने इंटरप्ट कर दिया, हंसी और उसको रोक दी। आई हैव अ फक्ड अप फैमिली, फक्ड अप का मतलब है कि बेकार, फालतू, मेरा मेरा परिवार एकदम फालतू है। व्हाट डू यू वांट टू नो, तुम क्या जानना चाहते हो, शी सेड, उसने कहा। आई लुक्ड एट हर, मैंने उसकी तरफ देखा, पजल्ड एंड एस्टॉनिश, में बहुत ही पजल चकराया हुआ था, एकदम सरप्राइज था, एस्टॉनिश था एट हर चॉइस ऑफ वर्ड्स, कि कैसे वर्ड्स यूज कर रही है, फक्ड अप फैमिली के लिए यूज कर रही है। मोर देन एनी थिंग आई कुड नॉट एसोसिएट एनी फैमिली विद अ BMW टू बी फक्ड अप, मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो आई कुड नॉट एसोसिएट, मैं बिल्कुल भी वो एसोसिएट नहीं कर सकता हूँ एनी फैमिली, किसी परिवार को विद अ BMW, जिसके पास BMW है, टू बी फक्ड अप और वो इतना ख़राब भी है, ओके। हर आईज मेट माइन, उसकी आँखें मेरी आँखों से मिली, परहैप्स फॉर अ फाइनल चेक टू सी इफ आई डिजर्व्ड हर ट्रस्ट, ये देखने के लिए, परहैप्स शायद फॉर अ फाइनल चेक, फाइनली ये चेक करने के लिए कि इफ आई डिजर्व्ड हर ट्रस्ट, कि क्या उसका भरोसा मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं। लेट्स गो फॉर अ वॉक, शी सेड, उसने कहा कि चलो टहलते हैं, ओके। तो अब तक ये लोग उसी वहाँ पर मिल्क शेक पी रहे थे, मुझे ऊपर में लगा कि शायद ये लोग चल रहे हैं, ओके, अभी वहाँ से निकलेंगे। हर प्लश कार ड्रॉप्ड अस ऑफ एट इंडिया गेट, प्लश का मतलब होता है जो लग्जरी है, तो उसका जो लग्जरी कार है उसने हम इंडिया गेट पर ड्रॉप कर दिया। द सॉफ्ट इवनिंग सन कास्ट लॉन्ग शेडोज ऑफ द मोनूमेंट एंड ऑफ अस ऑन द रेड सैंड स्टोन पेवमेंट, देखिए एक्सक्यूज मी, द सॉफ्ट इवनिंग सन यानी कि शाम का जो सूरज था बहुत ही सॉफ्ट था, कास्ट लॉन्ग शेडोज, कास्ट मतलब फेंकना, तो बहुत ही लंबे शेडोज ऑफ मोनूमेंट, जो इंडिया गेट था उसका शेडो एंड ऑफ अस, और हमारा शेडो फेंक रहा था ऑन द रेड सैंड स्टोन, सैंड स्टोन का मतलब क्या होता है, जैसे पेवमेंट है, पेवमेंट मतलब जो रास्ता है, जो फर्श है, वो सैंड और स्टोन से बना हुआ जो रास्ता है, उस पर वो अच्छा शेडो फेंक रहा था, शेडो दे रहा था, वो मोनूमेंट का भी शेडो था, हमारा भी शेडो था। वी वॉक्ड द माइल लॉन्ग डिस्टेंस, एल पता नहीं क्या है, ये मिसप्रिंट है, एंड द वे अप टू राष्ट्रपति भवन, वी वॉक द माइल लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब एक माइल होगा लंबा डिस्टेंस हमने वॉक किया, और हम कहाँ गए, अच्छा वे अप टू तो नहीं, या ऑल द वे, हाँ ऑल होगा ये, ऑल द वे अप टू राष्ट्रपति भवन, और हम राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने लगे। ऑन दीज रोड्स, इन रास्तों पर, फार अवे फ्रॉम बिहार, बिहार से बिल्कुल दूर, इंडिया डिड नॉट कम अक्रॉस एज अ पुअर कंट्री, इन रास्तों पर देखो तो इंडिया ऐसा दिखता नहीं, कम अक्रॉस का मतलब कि अचानक ऐसा दिख जाना, टकराना होता ना कि एक पुअर कंट्री की तरह इंडिया बिल्कुल भी नहीं दिखता है इन रास्तों पर, अगर अब फार अवे फ्रॉम बिहार, बिहार से तो खैर बहुत ही दूर है, बहुत दूर का मतलब है कि बिहार में इस तरह के रास्ते नहीं है, ऐसा ही शायद कहना चाह रहा। पिजन्स फ्लॉक द स्काई, आकाश में कबूतर हैं, एंड कबूतर मतलब फ्लॉक मतलब इकट्ठे हो गए कबूतर, एंड गवर्नमेंट बाबूज फ्रॉम नियर बाय ऑफिसेज स्करीड अबाउट, और जो अगल बगल जो ऑफिस था उसमें जो गवर्नमेंट बाबू लोग हैं, जो क्लर्क जो काम करते हैं, वो यू नो स्करीड अबाउट, स्करी का मतलब होता है जल्दीबाजी में भागना, तो फटाफट भाग रहे थे। बोथ ट्राइंग टू रीच होम बिफोर इट गॉट डार्क, दोनों ही कोशिश कर रहे थे, बोथ मतलब जो शायद पिजन है और ये जो बाबू लोग हैं गवर्नमेंट, ये दोनों कोशिश कर रहे थे कि इससे पहले कि अंधेरा हो जाए वो लोग अपने घर पहुँच जाए। वी वॉक टुगेदर, हम साथ साथ हमने वॉक किया या वॉक कर रहे थे। एटलीस्ट आर शेडोज अपीयर टू होल्ड हैंड्स, एटलीस्ट आर शेडोज, हमारा शेडो ऐसा लग रहा था कि हमने हाथ पकड़े हुए हैं।
आई डोंट ओपन अप टू पीपल, मैं लोगों से ज़्यादा नहीं खुलकर बात करती हूँ। एट मोस्ट आई कीप अ जर्नल, खासकर मैं बस जर्नल मतलब लिखती हूँ, मैं कोई रफ डायरी में लिख देती हूँ अगर वो जो भी फील करती हूँ। वो कह रही कि मैं जो भी फील करती हूँ वो लोगों से नहीं कहती हूँ, मैं अपने डायरी मेंटेन कर लेती हूँ। एंड इवन दैट इज़ रेयर, और डायरी भी बहुत मुश्किल है कि कभी मैं मेंटेन करूँ, कभी कभी होता है। यू नो आई एम अ क्वाइट पर्सन, मैं एक शांत लड़की हूँ, रिया सेड, रिया ने कहा। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, थैंक्स, द प्रॉब्लम इज, थैंक्स, उसने लड़के ने कहा आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। लड़की कहती थैंक्स, द प्रॉब्लम इज माई फैमिली, प्रॉब्लम जो है वो मेरा परिवार है। दे आर ऑब्सेस्ड विद मनी, आई एम नॉट, वो पैसों के पीछे पागल ऑब्सेस्ड हो गया, पैसा पैसा उनको चाहिए, लेकिन मैं नहीं हूँ। दैट्स अ गुड थिंग, राइट, ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ऑल्सो आई डोंट मैटर, और मैं तो मैटर भी नहीं करती हूँ। माई ब्रदर्स डू, सिर्फ मेरे भाई लोग मैटर करते हैं, बिकॉज दे विल टेक ओवर द बिजनेस वन डे, क्योंकि एक दिन वही बिजनेस को संभालेंगे। आई एम सपोज टू शट अप, मेरा काम है कि मैं चुप रहूँ, गेट मैरिड, विवाह करो एंड लीव, और निकल जाओ। द हाई पॉइंट ऑफ एनी लाइफ, हाई पॉइंट ऑफ माई लाइफ इज टू हैव किड्स एंड शॉप, मतलब कि हाई पॉइंट है ना, कि मेरे लाइफ का जो बिल्कुल मेन जो पॉइंट है वो ये है कि भैया बस बच्चे हो और मैं शॉपिंग वॉपिंग करूँ, बस ये है। एंड दैट्स नॉट वॉट यू वॉन्ट टू डू, और ये तुम नहीं चाहती हो। नो, शी ऑलमोस्ट शाउटेड, जोर से बोली, नहीं मैं ये नहीं चाहती हूँ, यू नो मी बेटर देन दैट, तुम उनसे तो बेटर हो, तुम मुझे जानते हो, डोंट यू, नहीं जानते क्या? सॉरी, सक्स बीइंग अ गर्ल इन दिस कंट्री। सक्स का मतलब जब आप कोई डिसअपॉइंटेड होते हैं, तो ये सब वर्ड है, ये ऐसा कहा जाता है। अब मैं इसकी हिंदी क्या बताऊँ, सक्स की हिंदी क्या बताऊँ, मतलब ये यक, ऐसे नहीं बोलते कि बीइंग अ गर्ल इन दिस कंट्री की बहुत ही बेकार है, इस देश में ना लड़की होना बहुत बेकार है। जैसे दुखी होगी जब कोई बोलता है ना, तो सक्स अंग्रेज लोग बोलते हैं, उनका स्लैंग है। आई टेल यू सक्स, उसने बोला। यू सीम अपसेट, तुम अपसेट दिख रहे हो। डिड समथिंग हैपन टुडे, क्या कुछ हुआ आज? आई टोल्ड देम आई वॉन्ट टू स्टडी म्यूजिक आफ्टर कॉलेज, मैंने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं कॉलेज के बाद म्यूजिक पढ़ना चाहती हूँ। दे वॉन्ट मी टू मैरी इन टू सम रिच मारवाड़ी फैमिली, लेकिन वो चाहते कि मैं शादी कर लूँ किसी बड़े ही अमीर मारवाड़ी फैमिली में, एंड लिव लाइक अ क्वीन, और मैं एक रानी की तरह रहूँ। आई डोंट वॉन्ट टू लिव लाइक अ क्वीन, मैं रानी की तरह नहीं रहना चाहती हूँ। दैट इज नॉट वॉट आई ड्रीम ऑफ, ये वो नहीं है जो मैं सपने देखती हूँ। ट्रस्ट मी, यकीन करो मुझ पर, लड़का कह रहा है। किंग्स एंड क्वींस आर ओवर रेटेड, आई सेड, मैंने कहा कि विश्वास करो, ये जो राजा और रानी होते हैं ना, ओवर रेटेड होते हैं। कुछ ज़्यादा इनको रेटिंग मिलती है, कुछ ज़्यादा ही इनको मान सम्मान देते, कुछ हद से ज़्यादा, डिजर्व नहीं करते तब भी देते, ओवर रेटेड ये लोग होते हैं। शी रिमेंट साइलेंट, वो चुप रही। वट डू यू वॉन्ट रिया, रिया तुम क्या चाहती हो? डू यू हैव अ ड्रीम, क्या तुम्हारा कोई सपना है? वेल ड्रीम्स सक, कि ड्रीम की भी वॉट लग जाती है, ऐसा उसने कहा। You get attached to them and they don't come true. तुम सपनों से जुड़ जाते हो और सपने तुम्हारे कभी सच नहीं होते हैं, तो ड्रीम्स सक, यानी कि ड्रीम भी बेकार है। Sometimes they do, not, लेकिन कभी कभी सपने सच होते हैं रिया, लड़का कह रहा है। Not in my case, मेरी केस में नहीं होते हैं। What is your dream? I asked again, मैंने फिर से पूछा, क्या सपना है तुम्हारा? She looked at me, उसने मेरी तरफ देखा। You laugh, तुम हंसोगे। Try me, उस लड़के ने कहा, ट्राई मी, कोशिश तो करो। शी स्माइल्ड, या सी होना चाहिए, साइड पे कहो, शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। ओके, सो आई हैव दिस ड्रीम, तो मेरा ये सपना है, आई वॉन्ट टू प्ले म्यूजिक एंड सिंग इन अ बार इन न्यूयॉर्क। आई वॉन्ट टू प्ले म्यूजिक, मैं म्यूजिक बजाना चाहती हूँ, मैं गाना गाना चाहती हूँ न्यूयॉर्क के एक बार में। वाओ, व्हाट, यू थिंक इट्स स्टूपिड, राइट? लड़का बोलता है वाओ, तो लड़की कहती है, वो क्या, तुम्हें स्टूपिड लगता है ना, राइट? नो, दैट्स क्वाइट स्पेसिफिक, ये तो बहुत ही अद्भुत है, स्पेसिफिक है, एक अलग है, बिल्कुल खास है। सिंगिंग इन अ बार इन न्यूयॉर्क, वाओ, न्यूयॉर्क के बार में गाना गाना, यस दैट्स इट, ये बिल्कुल वही है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ फेमस सिंगर और अ रॉक स्टार, मैं कोई फेमस सिंगर या कोई रॉक स्टार नहीं बनना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू मैरी अ बिलियनियर, मैं किसी अरबपति से शादी नहीं करना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू सिंग इन पीस, मैं बस शांत में गाना चाहती हूँ, पीस में गाना चाहती हूँ। सराउंडेड बाय पैशनेट पीपल, जहाँ पर बिल्कुल पैशनेट लोग चारों तरफ से मुझे घेरे हुए हो, मैं उस माहौल में गाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ओन अ हाउस इन मैनहट्टन, मैनहट्टन में मैं अपना एक घर चाहती हूँ। माय हाउस, मेरा घर, फिल्ड विद बुक्स एंड म्यूजिक सीडीज, जो किताबों से भरा हुआ हो, जो म्यूजिक के सीडीज से भरा हुआ हो।
आई वॉन्ट टू प्ले बास्केटबॉल ऑन वीकेंड्स, मैं वीकेंड्स पर बास्केटबॉल खेलना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू चेक आउट अ डजन लहंगाज फॉर माई एंगेजमेंट, मैं अपने एंगेजमेंट के लिए दर्जनों लहंगाज को नहीं ट्राई करना चाहती हूँ। साउंड्स लाइक यू हैव इट ऑल फिगर्ड आउट, ऐसा लगता है कि तुम सब समझ गए हो। नॉट रियली, क्या नहीं? मे बी इट जस्ट इन एस्केपिस्ट फैंटेसी, हो सकता है कि सिर्फ ये एक एस्केपिस्ट फैंटेसी हो। मतलब एस्केपिस्ट फैंटेसी क्या होता है? फैंटेसी मतलब ख्वाब, एस्केपिस्ट क्या होता है कि आप रियल लाइफ से भागते हो, ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हो। यू नो, जैसे कि आप कुछ करना नहीं चाहते हो, बस आप लेटते हो और अपना एक ख्याली पुलाव पकाते हो, तो यू नो आप एस्केपिस्ट हो, फिर आप अपनी एक ड्रीम में चले जाते हो। तो वही कह रही है, वो कह रहे हैं कि साउंड्स लाइक यू हैव ऑल फिगर्ड इट आउट, ऐसा लगता है कि तुमने सब समझ लिया है। नॉट रियली, मे बी इट्स जस्ट एन एस्केपिस्ट फैंटेसी। आई थिंक ये लड़का कहता है कि साउंड्स ऐसा लगता है लाइक यू हैव इट ऑल फिगर्ड आउट, कि तुम सब कुछ ओके अपना समझ समझ कर बैठी हुई हो। तो लड़की कहती है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि सिर्फ मेरा एक फैंटेसी हो, एस्केपिस्ट फैंटेसी हो, कि मैं रियलिटी से भाग करके सपनों में जा रही हूँ। बट आई हैव हैड इट सिंस आई वॉज 12, लेकिन मेरा ये जो सपना है, आई हैव हैड इट, जैसे किसी को फीवर है 5 दिनों से, बोलेगा आई हैव हैड फीवर, तो यहाँ पर हैव हैड का इस्तेमाल हुआ है। तो मेरा ये जो सपना है सिंस आई वॉज 12, जब मैं 12 साल की थी तब से है। वी हैड गॉन टू न्यूयॉर्क, हम न्यूयॉर्क गए थे, द सिटी ब्लू मी अवे, वो जो शहर है उसने मुझे एकदम इम्प्रेस कर दिया। ये मैंने पढ़ाया अपने ब्लू अवे, मैंने एक वीडियो डाला था। आई सॉ पीपल हु लव्ड व्हाट दे डिड, मैंने लोगों को देखा हु लव्ड व्हाट दे डिड, वो जो भी करते थे वो उसको पसंद करते, उसको प्यार करते थे। नो, हु लव्ड व्हाट दे डिड, जो भी करते थे वो उसको प्यार करते थे। दे वरंट रिच, वो अमीर नहीं थे, बट हैप्पी, लेकिन वो खुश थे। एंड देयर वॉज दिस लेडी इन अ बार, और एक लेडी थी बार में, शी सैंग फ्रॉम हर हार्ट, वो अपने दिल से गाती थी, अनअवेयर ऑफ एवरीथिंग अराउंड हर, उसके चारों तरफ क्या हो रहा है उससे बिल्कुल वो अनअवेयर थी, कोई ज्ञान नहीं था, वो अपने ही उसमें मग्न थी और गाती थी। द सन वॉज सेटिंग, सूरज डूब रहा था, एंड द स्काई टर्न फ्रॉम ऑरेंज टू डार्क ग्रे, और जो आकाश था वो ऑरेंज से बिल्कुल डार्क ग्रे हो रहा था। वी हैड नाउ रीच्ड द पॉइंट नियर राष्ट्रपति भवन, हम राष्ट्रपति भवन के ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए, लड़का कह रहा है कि हम ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए टहलते हुए, वेयर, जहां पर दिल्ली पुलिस गार्ड्स टेल यू टू स्टॉप एंड टर्न अराउंड, जहां पर दिल्ली की जो पुलिस है, जो गार्ड है, वो कहते हैं कि भैया अब यहीं से घूम जाओ, अब आगे नहीं जा सकते। शी कंटिन्यूड टू टेल मी अबाउट हर न्यूयॉर्क ट्रिप, वो अपने न्यूयॉर्क ट्रिप के बारे में कहती रही, बताती रही। इन फैक्ट आई took up basketball because I saw an NBA game live at Madison Square Garden in New York. उसने कहा कि हालांकि मैंने जो बास्केटबॉल को चुना, वो भी इसलिए चुना क्योंकि मैंने गेम देखा, NBA गेम देखा, लाइव देखा मैडिसन स्क्वायर गार्डन में न्यूयॉर्क के। यू हैव सीन एन NBA गेम लाइव, आई सेड, मैंने कहा अच्छा तुमने लाइव देखा है। यस, द एटमोसफियर, वो एटमोसफियर, इट्स इलेक्ट्रिक, ये बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक है, इलेक्ट्रिक मतलब बिल्कुल भरा हुआ है जोश से। यू शुड सी वन समटाइम, तुम्हें कभी देखना चाहिए माधव। आई श्रग्ड, एनीवे, श्रग मतलब ऐसे होता है, मैंने श्रग किया। एनीवे, आई लाइक योर ड्रीम रिया, मुझे तुम्हारा सपना पसंद है, इट्स डूएबल, ये करने योग्य सपना है, नॉट अनरियल, ऐसा कोई अनरियल नहीं है। अनरियल लाइक शी सेड, उसने कहा अनरियल मतलब लाइक बिकमिंग अ टॉप एक्ट्रेस और द प्राइम मिनिस्टर, जैसे कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना हो या प्राइम मिनिस्टर बनना हो, ऐसा तो कोई सपना नहीं, ये सपना तो हम कर सकते हैं पूरा। यू जस्ट वॉन्ट समथिंग सिंपल, तुम तो बस एक सिंपल सी चीज़ चाहती हो। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराए। नथिंग इज सिंपल फॉर अ गर्ल इन अ फैमिली लाइक माइन, जैसा मेरा परिवार है ना, ऐसे परिवार में एक लड़की के लिए कुछ भी सिंपल नहीं है। शी सेड, उसने कहा। वी वॉक्ड इन साइलेंस फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स हम चुपचाप टहलते रहे। आई फील बेटर, मुझे अच्छा लग रहा है, शी सेड, उसने कहा आफ्टर अ व्हाइल, कुछ देर बाद उसने कहा मुझे अच्छा लग रहा है। व्हाट, क्या? शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। द लास्ट ऑफ द डे लाइट, द लास्ट ऑफ द डे लाइट, लास्ट ही है ना, द लास्ट ऑफ द डे लाइट टिंटेड हर फेस ऑरेंज। मैं देख लेता हूँ कि लास्ट लिखा है कुछ और लिखा है, लास्ट ऑफ द डे लाइट ही लिखा है, मिसप्रिंट हो जाता है गाइस बार बार। कमान कमान कमान, चौथा,
हाँ लास्ट ईयर द लास्ट ऑफ द डे लाइट टिंटेड हर फेस ऑरेंज लास्ट ईयर, यानी कि वो जो डे लाइट था उसका जो लास्ट था अंत था ना, कि अब सूरज डूब रहा था तो जो अंत था, टिंटेड हर फेस, टिंट का मतलब है कि उस पर वो एक चमक ले आई, टिंट कर दिया हर फेस ऑरेंज, यानी कि उसके फेस को ऑरेंज में डाई कर दिया, टिंट का मतलब क्या होता है डाई कर देना, कलर कर देना, तो ऑरेंज हो गया उसका चेहरा, मेकिंग हर लुक इथेरियल, इथेरियल का मतलब होता है बिल्कुल डेलिकेट, नाजुक सा, तो उसको नाजुक सा बना दिया, आई वॉन्ट टू गिव हर हग, मैं उसे हग करना चाहता था, आई फील बेटर आफ्टर टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगा, थैंक्स शी स्माइल, उसने थैंक्स बोला, वो मुस्कुराई, द सन वैनिस्ड, सूरज गायब हो गया, एंड द रोड बिकेम डार्क, और रोड जो है वो बिल्कुल अंधेरे अंधेरा कायम हो गया वहाँ पर, हर स्किन ग्लोड इन द एम्बर लाइट्स ऑफ राजपथ, राजपथ का जो एम्बर मतलब क्या होता है, थोड़ा येलो सा ब्राउन सा लाइटों की रोशनी आ रही होगी, उसको एम्बर लाइट कहते हैं, तो उससे उसका जो स्किन था वो ग्लो हो गया, आई टुक अ चांस एंड हेल्ड हर हैंड, मैंने उस चांस का फायदा उठाया, मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया, एंड अदर एक्सीडेंट शी सेड, उसने कहा अच्छा दोबारा एक्सीडेंट है, मतलब अच्छा अचानक फिर से इस तरीके से, मतलब एक्सीडेंटली, बट डिड नॉट पुल हर हैंड अवे, बट शी सेड बट डिड नॉट पुल हर हैंड अवे, लेकिन उसने अपना हाथ मेरे हाथ से खींचा नहीं, वी लाफ टुगेदर, हम साथ हंसे, शी स्पोक अगेन, उसने दोबारा कहा, इवन माई अंकल्स आर द सेम, मेरे अंकल लोग भी ऐसे ही जी, एवरी वन साइड्स विद माई पेरेंट्स, सारे लोग मेरे पेरेंट्स का ही साइड लेते हैं, शी कंटिन्यू टू टॉक, वो बात करती रही, एंड कंटिन्यू टू लिसन, आई कंटिन्यू टू लिसन, कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकने, फटाफट खत्म करता हूँ, मैं सुनता रहा, इवन दो माई एंटायर अटेंशन वॉज ऑन हाउ लवली हर हैंड फेल्ट इन माइन, मेरा सारा का सारा जो अटेंशन था वो था कि कितना अच्छा मुझे महसूस हो रहा था जब उसका हाथ में उसकी, मतलब मेरा हाथ उसके हाथ पर था इस तरीके से ना, हाउ लवली हर हैंड फेल्ट इन माइन, यानी कि उसका हाथ मेरे हाथ में कितना अच्छा लग रहा था, मेरा अटेंशन इस पर था, तो गाइस ये खत्म हो चुका है, फिर हम कभी पाँचवा शुरू करेंगे, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, चलते हैं, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, थैंक यू गाइस।